भाई भाई ये थाला फॉर अ रीजन मीम आपको पता है क्या है और ये क्यों है? और ये मुझे पता है बट आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, आई डोंट नो इफ इट्स फनी। मैंने तो एक ही चीज बोला था यार कि ठीक है ये जो 50 लॉलीपॉप है ना, ये जो फ्लेवर है ये मुझे दे दे, उसको वही फ्लेवर चाहिए, बाकी 49 नहीं चाहिए। दो गलतियां जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैट्समैन हो। माय भाई आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में तो आप क्या करते हो, आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे के मीम्स में चले जाता हूं। एट द एंड ऑफ द डे ही अंडरस्टूड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हम सब गलती करते हैं बट हम उस गलती से क्या सीखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दो गलतियां जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा क्रिकेटर हो चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैट्समैन हो। एंड हाउ यू सेट ना हाउ टू क्रिटिसाइज पीपल या हाउ टू टेल देम दैट व्हाट दे हैव डन इज रॉन्ग, आई ऑलवेज फेल्ट दैट इट शुडंट बी टीम मीटिंग। अ लॉट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद द इंडिविजुअल एंड you know you want to say stuff that helps the individual become better. You know what I've realized with the cricket team or us, you know, as Hindustani, agar aap board room mein kisi ko kuch bol do na unko bahut kharab lag jata hai, but imagine you and him in a toilet, aap do char grammar ke sath bhi kuch bol dena, it doesn't feel bad. So from the essence of what you have told in front of everyone इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला, सो यू हैज़ लिसन टू व्हाट यू हैव सेड, इट्स जस्ट दैट यू नो मुझे खराब लग गया सबके सामने बोल दिया। सो इफ यू नो द इंडिविजुअल यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू वर्क विद हिम और हर एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। द एंड ऑफ द डे इफ यू आर लीडिंग पीपल यू नो यू वॉन्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, वट एवर देयर लेवल मे बी यू वॉन्ट देम टू इम्प्रूव बट एट द सेम टाइम गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। यहाँ पे ऑडियंस का जो जो बॉस है, यस अगले दिन लोगों को डांट रहे हैं बाथरूम लेके जा जाके फिर माई भाई ने कहा था कि लैटरिन के सामने डांटना और वो सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर बोल रहे हैं। बाथरूम में ही जो ध्यान रखना किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा, देयर इज नो एविडेंस। के यू वांट गो सर, योर स्टंप माइक कॉन्वर्सेशंस आर हिलेरियस, जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था वाज वेरी वेरी फनी। तो किसके साथ सबसे ज्यादा बैंटर है टीम में? इट्स नॉट टारगेटेड बैंटर, यू नो जो भी उस समय जो कुछ कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन दैट यू नो यू ट्राई टू से व्हाटएवर इट टर्न्स आउट टू बी फनी। ऐसे डालना है तो रख ले। सो स्टफ लाइक दैट यू नो गर्लफ्रेंड नहीं है एक चक्कर आगे लगा, दैट इज जनरली फॉर पीपल। जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ क्रिकेट हैपेंस राइट इन द मिडिल, तो स्पेशली जो फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं या 30 yard पे होते हैं ना, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट दे लुक बिहाइंड इन द क्राउड। तो पहले तो 30,000-40,000 लोग हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी वन फ्रॉम दैट डिस्टेंस। आपका एक कैप्टन होता है एक बॉलर होता है, सो जनरली ऑन द फील्ड दीज आर द टू पीपल हु आर इन चार्ज। अगर कैप्टन विकेट कीपर है तो आसान है, नहीं तो तीन इन चार्ज हो जाते हैं। अगर एक कैप्टन हुआ एक विकेट कीपर हो गया एक बॉलर, इन द सेंस हो सकता है बॉलर को कहीं पर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए फील्ड में तो वो आप तो ट्राई विल ट्राई टू टेक योर अटेंशन, बट अगर कीपर और बॉलर है तो और आसान है। बट आई नेवर अंडरस्टूड दे ऑलवेज लुक द अदर वे, सो दैट्स अ टाइम व्हेन यू से कि उधर कौन है भाई हमें भी बता दो, यू नो आई एम नॉट एबल टू सी हु इज देयर। कुल्लू की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी, मिसबाह उल्लाह की जो स्टोरी बताई थी, प्लीज आप ऑडियंस को बताना, माय भाई को सवाल पूछ लेना। तो मिसबाह उल्लाह ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया ए या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज्यादा रन मारे थे, और उन्होंने अपनी टीम को जो है बताया होता कि ये प्लेयर आ रहा है इसको जरा ध्यान से खेलना। फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते वो लोग, चलते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे। फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाए तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे, तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी जब आप फर्स्ट टाइम? स्टोरी ने मैंने इंस्टा पे देखा था उस, सो दे सेड कि ये मारता है ऐसा करता है वैसा करता, तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई हक एंड स्पोर्ट्स, उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट आई गॉट माई फर्स्ट सेंचुरी, सो दे सेड कि ऐसा माल बैठ जाए। नहीं तो आप जब अगली साइड में गए थे अंडर 19 इंडिया ए गए थे तब का कुछ आपको याद है कि आपने जो इतना? सो हम लोग कीनिया गए हुए थे, सो इट वॉज अ क्विन टूर, जिम्बाब्वे और कीनिया का टूर था, तो कीनिया में इंडिया ए थी, पाकिस्तान ए एंड कीनिया की टीम थी, सो दैट वॉज द टूर एंड आई गॉट अ चांस टू ओपन, यू नो दिनेश वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम, दिनेश कार्तिक ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, सो वो चला गया एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू
प्ले फॉर इंडिया है एंड आई वॉज बैटिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर, यू नो ओपन में कर रहा था, वन डाउन खेल रहा था. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू नो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. द कंडीशन वॉज स्लाइटली चैलेंजिंग बट ऑल्सो वेन यू गेट अ चांस लाइक दैट यू वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट यू नो. एंड पाकिस्तान वॉज अ गुड साइड, यू नो कीनिया की उनकी जो टॉप इंटरनेशनल साइड थी दैट वॉज प्लेइंग, बट पाकिस्तान की ए टीम इज अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हु प्लेड विद मी लेटर ऑन, यू नो दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड. सो इट वॉज फन एज आई वुड से, बट एट द सेम टाइम यू नो आफ्टर दैट टूर्नामेंट आई वॉज श्योर दैट आई गेट अ चांस टू प्ले फॉर इंडिया. अब 3 महीने के बाद चांस मिले, 10 महीने के बाद चांस मिले, बट आई न्यू दैट आई गेट अ चांस टू प्ले फॉर इंडिया. सो दैट वॉज अ ब्रेक टू टूर फॉर. वो बोल रहे थे वापिस नहीं आते इसमें से ग्राउंड बहुत बड़ा था यार. इसमें से मैंने ये पिकअप किया कि माही भाई रील्स देखते हैं. माही भाई आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में तो आप क्या करते हो, आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चल रहा है. अपने बारे में क्यों देखता है यार, जब पता है कि कुछ आने वाला है तो व्हाई डू यू वांट टू सी इट. एंड आई एम नॉट समबडी हू गेट्स इनटू द कमेंट सेक्शन एंड रीड कमेंट्स एंड ऑल. सो अगर आपको कुछ पोस्ट करना है आपने पोस्ट किया बस दैट्स इट, डोंट स्टार्ट गेटिंग इनटू द कमेंट सेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज द पीपल सिटिंग यू नो टू हैव फन at whose expense they don't really care, so they may say something you know that is not so nice about you. So the best thing to do is use it for what it is, and I feel that's what I do. So what do you use it for? So mostly I'll complain about also one thing. So you know I love, I'm a motorhead, so I love cars and motorcycles more than cars. So you get a glimpse into everybody's life. So whoever has a motorcycle, you know, they love to clean it up and they'll put a video. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music? I would want to hear the exhaust of a motorcycle, you know, the revving of a motorcycle. You know, imagine there's an old Kishore Kumar happening and it's a motorcycle and I am like, okay, I want to see this. You switch the volume on and then you realize, you know, there's no exhaust note here, something else. But yeah, you know, to keep a track of, so Instagram थोड़ा news channel की तरह भी हो गया, but you cannot trust everything. You know, they'll put a picture and they'll write something and you know, अच्छा ऐसा भी होता है, but you know, you have to go back and check with the news channel as to what really is happening. अभी तो options के time पता है कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है Instagram के हिसाब से. अच्छा वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, तो जिसको जो player चाहिए, you know, he's coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. Nobody knows, like once people come into the auction, you don't know where you're going. And the best part is the fans, they are always like, ye auction mein aa raha hai, ab ye is team pe jayega. You are into the market, you know, whoever has the money to buy you, you know, they'll get you and you'll have to play for them. So that's the beauty of auction. You know, it's not a trade that you know ki A player is getting traded to B franchise. You can go anywhere. Auction is 7 letters. आपको माय भाई ये थाला फॉर अ रीजन नेम आपको पता है क्या है और ये क्यों है? और ये मुझे पता है बट आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट. आई डोंट नो इफ इट्स फनी और इट इज सपोज टू पुल माय लेग और इट्स अ बैंटर, इट्स अ मीम, व्हाटएवर इट इज, बट आई थिंक माय फैंस हैव टर्नड इट इनटू समथिंग दैट्स इन माय फेवर, यू नो दैट्स व्हाट आई फील. करेक्ट. एंड आई हैव गॉट ब्रिलियंट फैंस, दैट्स व्हाट आई वुड से. यू नो आई डोंट नीड टू ओपन माय माउथ और से एनीथिंग, यू नो दे आर द वंस, इफ दे फील समबडी हैज बीन नास्टी टू मी they take care of it. So I'm just keeping quiet, I enjoy my life, you know, I try to play good cricket and that's what it is for me.